नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तिता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक फिक्स साइज एरे का यूज करके हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, और आज के इस वीडियो में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने NaN एक वैल्यू ली हुई है जिसकी वैल्यू मैंने -9999 एक मैक्रो लिया है जिसकी वैल्यू मैंने -9999 कर रखी है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई ये वैलिड वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, और ये वैल्यू ये दिखा रही है कि स्टैक में कोई एलिमेंट है नहीं, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक स्टैक क्लास बनाई है। इसके अंदर मैंने एन टॉप इज इक्वल टू -1 ये किया है। उसके बाद एक एरे लिया है जिसमें मैंने सभी एलिमेंट्स को, सभी इंडेक्सेस पे मैंने NaN फिल कर दिया है। उसके बाद दो फंक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, पुश और पॉप। पुश के अंदर लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले सिंपल लॉजिक है, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, ये कोड आपको मिल जाएगा, ये आपका इस पे कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर पुश फंक्शन आप देख सकते हैं, पुश फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है जो कि है वैल्यू, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा स्टैक है कहीं वो फुल तो नहीं है। तो फुल कब होगा, हमारा 5 का एरे है, 5 के साइज का एरे है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा एन टॉप यानी जो इंडेक्स है हमारा, अगर वो इंडेक्स है वो 4 हो गया है, यानी फिल करते करते हम टॉप तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टैक में भरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। ठीक है, तो हम ये मैसेज दिखाएंगे स्टैक फुल। बट अगर स्मॉलर देन 4 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस एंड टॉप करेंगे, यानी टॉप को ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद उस टॉप पोजीशन पर जा करके जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो स्टोर कर देंगे, यही होगा पुश। उसके बाद आता है पॉप। पॉप के केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा टॉप -1 पे है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो कहीं खाली तो नहीं है, और खाली होने का मतलब है, एम्प्टी होने का मतलब है कि हमारा एंड टॉप -1 पे होगा। अगर हमारा एंड टॉप -1 पे है तो हम एक सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, देयर इज नो मोर एलिमेंट इन द स्टैक, और यहां से रिटर्न हो जाएंगे विद NaN। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अदरवाइज अगर इफ कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, यानी कि हमारे स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आएंगे और सिंपली एक वेरिएबल लेते हैं हम के नाम से, और इस के नाम के वेरिएबल में हम टॉप एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे जो कि इस स्टैक में टॉप पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टॉप एलिमेंट पे NaN, मतलब वो लोकेशन अब खाली हो चुकी है, अब उस पर हम NaN फिल कर देंगे। उसके बाद --N टॉप करेंगे, यानी टॉप को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब टॉप को, अब जो है टॉप अपने से नीचे एलिमेंट को टॉप बना देगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर का टॉप तो आपने निकाल लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि रिटर्न के आप कर देंगे, तो इस तरीके से आप टॉप की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, रिटर्न कर पाएंगे, और साथ ही आप टॉप की पोजीशन को रीपोजीशन भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका पुश और पॉप, ये दो फंक्शन लिखे जाएंगे, और इस तरीके से आप पुश और पॉप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप पुश करते जाते हैं, 5 एलिमेंट्स पुश करने के बाद अगर आप ये छठा एलिमेंट पुश करते हैं, st.push, अगर इसको चलाते हैं तो आपको यहां पर एक एरर दिखाई देगी। एरर का मतलब ये मैसेज दिखाई देगा, स्टैक फुल। तो आइए इसको चलाकर देखते हैं। तो ये अभी बिल्ड हो रहा है और हमने F10 करना शुरू किया, तो सबसे पहला एलिमेंट फिल किया, दूसरा फिल किया, तीसरा, चौथा, पांचवां भी फिल कर दिया। अभी तक आपको यहाँ पर कोई मैसेज ऐसा नहीं आया होगा कि स्टैक इज फुल, बट जैसे ही आप इसको चलाएंगे, 17 को पुश करेंगे, वैसे ही क्या होगा, यहाँ स्टैक फुल का मैसेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड टॉप आपका ऑलरेडी 4 हो रखा था, इस वजह से स्टैक फुल का मैसेज दिया और निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पॉप ऑपरेशन को, यहाँ पे हटा देते हैं, और ये पुश यहाँ पर मैसेज आएगा, उसके बाद ये पॉप करना शुरू करेगा। जैसे ही आप ये इन दोनों को भी कमेंट कर देते हैं, जैसे ही आप ये 5 एलिमेंट्स पॉप कर चुके होंगे, 5 ही एलिमेंट है, 5 एलिमेंट के बाद छठा एलिमेंट जैसे ही पॉप करोगे, वैसे ही आपको एक मैसेज मिलेगा, देयर इज नो मोर एलिमेंट इन द स्टैक। तो आइए इसको चला के देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। इसको रन कराने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या मैसेज आता है। सो दिस इज फाइन, यहाँ पर 17 तक आपको एक स्टैक फुल का मैसेज तो मिल ही रहा था। अब आप जो है पॉप करेंगे, तो पहला पॉप किया कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉप किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक आपको कोई मैसेज आपको नहीं मिला है कि पॉप करने के लिए कुछ नहीं है। बट जैसे ही आप ये ऐसा एलिमेंट पॉप करने की कोशिश करेंगे जो कि है ही नहीं, मतलब इंडेक्स इस साइज का है ही नहीं कि आप जो है 5 से ज्यादा एलिमेंट इसमें होते,
तो जैसे ही आप छठा एलिमेंट पॉप करने जाएंगे आपको एक मैसेज मिलेगा नो मोर एलिमेंट्स इन स्टैक, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपके नो मोर एलिमेंट्स इन द स्टैक हैं तो क्या आप उसके बाद आप पुश करेंगे तो सही काम करेगा, इसी चीज को देखने के लिए ये दो लाइनें मैंने यहां पर लिखी हैं। तो आइए जैसे ही ये पॉप कर लेंगे हम सारे एलिमेंट्स, उसके बाद अगर हम पुश करेंगे तो क्या हमारा प्रॉपरली रिसेट हो रही हैं चीजें और क्या हम पॉप कर पाएंगे उसके बाद नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, तो उसी को देखने के लिए ये दो लाइन मैंने यहां पर एक्स्ट्रा लिखी है। आइए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं सीधे ही F5 कर देता हूं सो दैट हम यहां आ जाएं। तो यहां पर आपको दो मैसेज मिल चुके हैं, स्टैक फुल, नो मोर एलिमेंट्स इन द स्टैक बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पॉप भी हमने 6 बार कर दिया और पुश भी हमने 6 बार किया था, इसलिए ये मैसेज हमारे 6th टाइम जब हम पुश करते हैं तो ये आता है, 6th टाइम जब हम पॉप करते हैं तो ये मैसेज हमें मिलता है। लेकिन इन दोनों ऑपरेशन के बाद अगर हम पुश करें फिर से तो क्या हमारा प्रॉपर रिसेट होगा स्टैक, तो वही देखना है। तो आइए हम इसमें चलते हैं, F11 करते हैं और यहां पर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल यहां पर सही तरीके से ये इसने फिर पॉप को जीरो कर दिया और इस पॉप को जीरो करने के बाद इसने जीरोथ इंडेक्स पे इस स्टैक में वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम पॉप करने चलते हैं, तो पॉप करने चलते हैं तो आइए आप देखते हैं पॉप करने के केस में क्या होता है। पॉप के केस में ये प्रॉपर सही काम कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसने वापस -1 कर दिया क्योंकि एक ही एलिमेंट था, तो फिर से इसको पॉप करने के बाद -1 ही बचेगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या आता है। तो वैल्यू हमें मिलती है यहां पर 17 पुश किया था, 17 ही पॉप कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको तरह तरह से चला करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके इसको एक पिंड कमेंट की तरह इस पूरे के पूरे कोड को ऐड किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम एक डायनेमिक एरे का यूज करके एक ऐसा एरे जो डायनेमिकली एलोकेट होगा और बेस्ड ऑन द नीड उसमें एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे और किस तरीके से हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं डायनेमिक एरे का यूज करके, वो हम देखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद फिर इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे उसके अगले वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी के साथ आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए सो दैट अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने हिंदी प्लेलिस्ट में एज अ हिंदी इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर की, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि चीजों को समझने के पर्सपेक्टिव से आते हैं, लैंग्वेज जिनके लिए बार बन जाती है कई बार, उनको थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैंने हिंदी में ही ये सीरीज बना दी है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी हिंदी में ही होगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।